टाइम है और फुल धुंध आसमान पे आप देख सकते हैं क्या सर्दी का पहला दिन है और मेरे मिनी जूम का शापर जो है अभी तक लगा हुआ है, मैंने अभी तक हटाया नहीं है। अंदर जाते हैं, उनको फीट वगैरह डालते हैं और ये बाल्टी पड़ी है और ये फीट वगैरह पड़ी है। अंदर जाते हैं और मिनी जूम के बर्ड्स देखते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है सर्दी के मौसम में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, ठीक ठाक हो दोस्तों? आज चौधरी शहर में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कितनी फुल धुंध हुई है और इसमें कोई बर्ड्स हर किसी ने अपने बंद कर रखे हैं और देख सकते हैं सुबह की लोकेशन आप, फुल सर्दी हो रही है दोस्तों। तो अब जाते हैं अंदर बर्ड्स के पास। तो एक और बात आपको बताते चलूँ कि हमारे जो रा पैरेट है ना, ये माशाल्लाह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हैं। जिस तरह अपनी जगहों को मेंटेन कर रहे हैं उसी तरह अलग अलग डेली की आवाज़ें निकालते हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगाते हैं। गायें, भैंस, भेड़, बकरी सबकी आवाज़ें निकालते हैं। मेरे ख्याल में जहाँ से लिया था ना, जिसने लिया होगा तो ये देहात में थे, इसलिए वजह से ना दोस्तों ये गायें, बकरी, भैंस की हर आवाज़ें निकाल लेता है। दोस्तों जो मेरा चुटकी और चुटकी को बुखार था ना, माशाल्लाह से वो काफ़ी बेहतर हो गया, काफ़ी हालत ठीक हो गया उनकी। ये मैंने कपड़े वगैरह लगाया था ताकि उनको गर्मैश वगैरह जाए, उनका बुखार उतरे, क्योंकि ठंड की वजह से उन्हें बुखार लगा हुआ था। ये नवाबजादे अभी तक अंदर बैठे हैं, ये भी अंदर बैठे हैं, थोड़ा सा मुँह निकालते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। पिन चीज़ जो है ना वो बेतहा भावे बैठे हैं, जल्दी जल्दी हमारे जो है ना फीड लेके आओ। और जो चुटकू बबलू है ना, जो बबलू वो रानी के बाहर बैठे हुए, रानी के एग निकले हैं दोस्तों। आप खुशखबरी, एग से बेबी निकले हुए हैं, तो आपको आज वो भी दिखाते हैं एग से बेबी। और जो है ना सबसे पहले इनको फीड वगैरह देते हैं। ये अमरूद पड़ा, ये सेब पड़ा और ये शिलमा मिर्च पड़ी है। ये डालेंगे हम अपने अपने रा पैरेट को, इनके लिए फीड वगैरह लेके आए हैं, ये डाल देंगे इनको। सबसे पहले 200 बर्फ इनका सिरप उठा लेते हैं, इसके डेढ़ ढक्कन जो कि ना कूलर में बाल्टी में मिक्स कर लेते हैं। और देखिए हवाएं की कितनी हवाएं चल रही हैं, हवाएं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शापर है ना ये ऊपर हो गया बर्फ का। चले कोई नहीं, दाना पानी डाल के ना फिर इसका शापर नीचा कर लेंगे। ये एक ढक्कन बर्फीन का और ये आधा ढक्कन बर्फीन का। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, पानी को जो दवाई वगैरह मिक्स की अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसको। पहले 200 हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसको। अब जो है ना फिंचेस के बारे में सब नीचे आ रहे हैं फीड खाने के लिए, भाई तुम्हें दे रहे हैं दोस्तों। फिंचेस बहुत बेताब हो बैठे हैं कि जल्दी जल्दी हमारे ये फीड डाले और पानी डाले, सब नीचे आ रहे हैं दोस्तों। एक से लेकर एक, कभी एक नीचे जा रही ऊपर आ रही है। देखिए नवाबदारी, देखें हमारे जो है ना बबलू के साथ बहुत खेलती है फिंचेस, बहुत सामने जाके बैठी हुई है। ये हमारे बबलू के साथ इन्हें दोस्ती लगाई है, बहुत खेलती है और बबलू भी इन्हें देख के बहुत एक्टिव होया बैठा है, क्योंकि दोस्ती लगी है ना इनकी, तो अच्छी बात है यार, ऐसे लगाते रहो दोस्ती। यार ये कपड़ा बार बार हट क्यों जाता है, इधर से निकल भी सकते हैं फिंची, निकल के जाएंगे कहाँ, इधर मिनी जूम फिरते रहेंगे, जाली वगैरह लगी हुई है। लेकिन हवाई की वजह कभी शापर ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, शापर की समझ मुझे नहीं आ। ये दोस्तों जो है ना चुटकू और चुटकी ये निकल के आए हुए हैं और ये फीड के लिए आए हुए हैं। जल्दी जल्दी हमें फीड डालें कि हम खाएँ दोस्तों। ये खाते बहुत कम है और ज़ाया बहुत करते हैं। पहले से माशाल्लाह इनका बुखार भी उतरा हुआ है, एक्टिव भी हुए हैं। राह वगैरह जो है ना दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ सुन लेना तो ये यकीन करेंगे आप, ये ना गाय की आवाज़ निकालना शुरू कर लेता है। अभी मैं आपको निकलवा सकता हूँ लेकिन ऐसा शोर शराबा करने से होता है, इसकी आवाज़ निकालने से ऐसे नहीं निकालता। लेकिन माशाल्लाह से एक्टिव है सारे बर्ड। रिंग नेक को जो है ना ये सेब वगैरह डाल लिए, अमरूद वगैरह डाले, शिरन मिर्च भी है और अंदर जाके बैठे हुए हैं। हम क्या करते हैं सब बर्ड्स को ना एक साथ जो है ना फीड वगैरह दे के ना फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली दोस्तों हमने सब बर्ड्स को जो है ना फीड वगैरह दे दी है, एक राह को नहीं दी, राह को भी अभी दे देते हैं, बाकी सबको दे दिए, सिर्फ इसको अभी नहीं दी रिंग नेक को। लेकिन मैं ये देखने वाला था कि अभी फीमेल बाहर निकली, देखिए हल्का सा मुँह भी निकाला हुआ है। ये जो हमारे चुटकू और चुटकी की फीमेल बाहर निकली हुई है, तो हम बबलू और रानी की जो फीमेल बाहर निकली हुई है थोड़ी सी निकली थी, अब अंदर चलेगी, तो इसके बेबी देखते हैं अंदर के, इनके बेबी कितने हैं। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं, इन्जॉय करें। यार एक तो मोबाइल अंदर नहीं जाएगा लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। पहले दोस्तों हमने मोबाइल अंदर कर लिया है लेकिन ये इसने बेबी अपने छुपाए हुए हैं और दिखा रही नहीं है। हालांकि इसके बेबी निकले हुए हैं दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, लेकिन ये बिल्कुल ही छुपा लिया अपने, इसके बेबी देख सकते हैं जो है ना, पर इसके वो बेबी भी छुपी हैं। देखे दोस्तों 100% बेबी हैं, मैंने पहले देखे भी थे इसके, लेकिन जो है ना अब ये देखने भी नहीं दे रही। ये देखिए इसे पता लग गया है जो है ना मेरे ऑडिशन देख रहे हैं, इसलिए इन्हें अपने पर मैंने छुपा लिए। दिखाओ बेबी, दिखाओ रानी, दोस्तों रानी है ना फिर, इसलिए रानी के नखरे भी रानी जैसे ही होंगे फिर। दोस्तों ये देखें, ये दिखा लिए एक बेबी, दूसरे बेबी नहीं दिखाने दे रही। देखें दोस्तों बहुत ही होशियार है ये छुपाए हुए अपने बेबी इसकी। चले कोई नहीं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं इनको, फीड वगैरह डाल देते हैं और इनको डिस्टर्ब नहीं करते। चले दोस्तों ये जान के दिल को बहुत खुशी थी कि हमारे जो बबलू और रानी ने जो बेबी निकाले हुए हैं, चलो माशाल्लाह दोस्तों आपने देख लिया होगा, एक बेबी तो नज़र आ रहा था लेकिन जो और बेबी थे वो रानी ने अपने पारे में नीचे छुपाए हुए थे और देखने नहीं दे रही थी हमें। लेकिन इंशाल्लाह छापा तो मारेंगे, लेकिन अभी डिस्टर्ब नहीं करते, बच्चे छोटे छोटे हैं और सर्दी के मौसम में ये ना हो कि फिर उन्हें फीड वगैरह भी ना करवाए, तो इसलिए ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़े से बेबी बड़े हो जाएँ फिर डायरेक्ट मेटा खुद ही पता लग जाएगा कि इसके मटी में कितने बेबी हैं। एग तो मेरे ख्याल में 5 एग थे लेकिन अब बेबी है ना ये
देखने पड़ेंगे, एक तो एक दो नज़र आ रहे हैं मुझे, मेरे ख्याल में दो तीन बेबी लाजमी 100% हैं, लेकिन फिर भी ना देखते नहीं हैं, जिस तक नहीं करते हैं, दो तीन चार दिन बाद देखेंगे, जैसे बेबी बड़े हो जाएंगे ना फिर क्लियर नज़र आ जाएंगे। तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप अपना काम शुरू करो। तो यार इनको राह को भी रिंगने को भी जो है ना पानी वगैरह डाल देते हैं। आज रात तुम्हारे लिए नई डिश आई है, जो कि तुम जब से मेरे पास आए हो तब तक वो डिश नहीं खाई। आ जाइए दोस्तों, इनके लिए शिमला मिर्च और इनके लिए एप्पल और अमरूद, सेब और अमरूद दोस्तों। ये ओए होए 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 दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगी है ये पिंजरा, ये यकीन करें बहुत ही सिर पर लगी है। और देखें ये जो रिंग ने की फीमेल है ना, ये बाहर निकल के आ गए दोस्तों, बहुत ही सिर के ऊपर लगा यार, एकदम दोस्तों मेरे सिर पर लगी है, यकीन करें बहुत दर्द हो रहा है यार। ये चीज़ लगी है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है यार, इसका कुछ करेंगे यार, ये तो मैं जैसे दाना पानी डालने के लिए ऊपर उठता हूँ तो ये चीज़ मुझे लग जाती है, इसका मुझे ख्याल करना पड़ेगा, लेकिन है ये बहुत ख़तरनाक, क्या करें फिर। अब जगह पूरी सूरी होती है ना, जगह मेनटेन करनी होती है इनके लिए, तो इसलिए लगा दें, नीचे होते फिर ज़्यादा डरते, ऊपर लगे एक साइड पर डरते वगैरह नहीं है। ये रिंग नेक अभी भी अंदर बैठे हुए, फीमेल बाहर बैठी हुई है। चले अभी राह को डाल लेते हैं, राह के सेब वगैरह पड़ा, शिमला मिर्च पड़ी, अमरूद वगैरह पड़ा है, और इनकी टोकरियाँ दो पड़ी हैं, पानी भरे लेते हैं। एक टोकरी किसकी पड़ी है यार, मैंने जिसको पानी नहीं दिया अभी तक, एक टोकरी किस, हाँ यार इसकी पड़ी है, भाई ले गया होगा खाली, इसने सफाई की है। एक बेबी फिंचिस का नीचे आया हुआ था यार, बेबी फिंचिस का पता नहीं लगता वो नीचे आया था, और ये जो बेबी है ना, ये फिंचिस का बेबी, और ये भी थोड़ा सा मुझे ना सुस्त लग रहा है, नहीं एक्टिव है लेकिन सुस्त ऐसा लगता हुआ महसूस कर रहा है मुझे, कैसा शायद लग रहा हो, लेकिन सही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस राह के लिए पानी भर लेते हैं, एक ये और एक ये, खुल जा सिम सिम। इसको तेल देंगे दोस्तों, यकीन करें जंग लगा पड़ा है, ऐसे ये बिल्कुल ऐसे जो है ना जिस तरह मर्जी खींच लो ये निकलती नहीं है, इसको तेल देना पड़ेगा फिर ये ठीक हो जाएगी। सबसे पहले तुम खाओगे ये एप्पल, शिमला मिर्च, अमरूद, इनकी फेवरेट चीज़। ये देखें दोस्तों, खारे बहुत कम है, और देखें कितना ज़ाया किया हुआ है, ये सब इनका ही कूड़ा है, देखें सब इनका गंद किया हुआ है, सब देखें किस तरह लगाया हुआ है। देखें सूरजमुखी जो है ना, इनको मैंने डाली थी, ये बहुत बड़े वाले शौक से खाते हैं, लेकिन अब जो है ना मेरे पास ख़त्म हो ही पड़ी है, वो आज लेके आएंगे, लेकिन ये बहुत ही शौक से खा रहे हैं। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे ना तो हमारे लब्बर जो है ना ये निकल के आ जाएंगे, ये देखें हम ज़्यादा पीछे होंगे फिर निकल के आएंगे, ऐसे नहीं निकल, थोड़ा सा अभी फ़िलहाल मुँह निकाला हुआ, देखें पूरा आ जाएगा, ऐसा ऐसा करके ना सब आ जाएंगे। वो देखें नीचे वाले भी मुंह कर रहे हैं, वो देखें सामने आपको नज़र आ रहा होगा, और ऊपर वाला भी ऐसा ऐसा निकलेगा। हमारे जो हालांकि ये मेरे दोस्त बहुत पुराने बर्ड्स हैं, ये लव बर्ड्स, लेकिन ये मुझसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है। और जो हमारे चुटकू और चुटकी हैं ना दोस्तों, ये तो आए तकरीबन कोई दो माह, ढाई माह या तीन माह हो गए होंगे, लेकिन यकीन करें ये मेरे साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गए और डरते भी नहीं हैं, माशाल्लाह इसकी मैंने केयर भी किया है। इन्हें दोस्तों बुखार हो गया था, लेकिन इनके लिए माशाल्लाह मैं बहुत परेशान भी हो गया था, फिर अल्लाह पाक का करम है, मैंने इसे मेडिसिन देते रहे, जैसे बर्फ़ इनके सिरप हो गया और दवाई वगैरह थी, इनको टाइम पर देते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हैं। वो कहते हैं ना बर्ड्स रखे थे, लेकिन बर्ड्स की केयर भी करें, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मौसम जैसे तब्दील होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो उनके लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो ये भी देखना पड़ता है दोस्तों हमें। बाकी अल्लाह पाक का करम है, क्या पहले से ठीक है। ये एक निकल के मेल आ गया, फीमेल भी इसे देख के बाहर आएगी, मेरे जहाँ तक अंदाज़ है दोस्तों, दुआ करें कि ये फीमेल जो है ना इसने एग दिया वो हो, लेकिन इंशाल्लाह वो कल की जो वीडियो आएगी ना उसमें हम ये देखेंगे, अपने सब मटकी चेक करेंगे, इनके भी मटकी चेक करें कि इनके एग आए हैं नहीं है, इनकी भी चेक करेंगे। राह तो आपको पता ही है, दूसरे महीने में देंगे तो इसको नहीं चेक कर सकते। फिंचिस वगैरह जो है ना सबको मैंने फीड वगैरह डाल दिए, सब अपनी फीड वगैरह खा रही हैं, पानी इनका दोस्तों मैंने रख दिया है, और रिंग नेक का भी रख दिया है। अब जैसे ही हम बाहर जाएंगे ऐसा ऐसा निकलना शुरू हो गए, हवाएं इस तरह है, देखें अभी गाय की आवाज़ निकाली मेरे, आपने सुना होगा दोस्तों, इन्होंने गाय की आवाज़ निकाली मेरे, राह पैदे थे वो शापर नीचे आया हवाई से, तो इसलिए इसने गाय की आवाज़ निकाली, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है दोस्तों। ये गाय की आवाज़ ऐसे ही निकालता रहता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और देखें एक लबर्स बाहर निकला हुआ है, और दो हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, ये जो है ना अब उन्हें देख रहे हैं कि मुझे कि ये भाई जाएगा तो हम आएँगे, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ, अब मैं इनको देख के ही जाऊँगा। और जो एग है ना वो मैं दोस्तों दुआ करें कि मुझे एग दे दें जल्दी जल्दी। और दोस्तों एक माइंड और भी चेंज हो रहा है, वो आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा, और मेरा ये माइंड हो रहा है कि अभी आपको नहीं बताता, वो सरप्राइज़ है यार, वो आपको ना मैं कुछ दिन के बाद दिखाऊंगा सरप्राइज़ है, वो मैं आपको अभी जिक्र भी करता हूँ बारे में, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हमारे मेन्यू रूम में एक और नई चीज़ आने वाली है, जो कि आपको इंशाल्लाह बस मिल जाएगी, अब ये कह सकते हैं वो सरप्राइज़ है आपके लिए। तो यार ये बबलू जो है ना बैठा हुआ है, और रानी जो है ना अंदर अपनी फीट वगैरह करा रही है बच्चों को, बेबी जो छोटे छोटे निकले हुए हैं बहुत ही प्यारे से क्यूट से, तो ये ना बबलू बैठा हुआ है इधर,
रानी अंदर है। और दोस्तों ये मैंने बॉक्स लाया था लकड़ी वाला, इसमें जो है ना छिपकली मुझे बहुत तंग कर रखी है। जो यकीन करें दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ यार, जो भी एग आते हैं उस बेबी निकलते हैं तो छिपकली है ना उनका सिर फाड़ देती है और उन्हें नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन किसी भाई ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये कहा है कि आप जो है ना प्याज रखें, प्याज से छिपकली नहीं आती। तो दोस्तों देखें मैंने इधर भी, ये देखें ये इधर भी प्याज लगाया हुआ है, उधर सामने भी प्याज रखे हुए हैं, सब जगह प्याज रखे हुए हैं, लेकिन जो छिपकली है ना फिर भी आ रही है। कोई यार आपको कोई और तरीका पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि छिपकली को भगाने का क्या तरीका होता है और किस तरह भगाते हैं। यकीन करें मेरा बहुत नुकसान किया छिपकली ने, जो बेबी थे छोटे छोटे निकले हुए वो सब खाई जा रही है। तो यार इसका बंदोबस्त करेंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है लेकिन शाम के टाइम आ जाती हैं, इधर उधर छुपी हुई होती हैं, जो मटकी अंदर चले गए बेबी को नुकसान करती हैं। तो यार खा लो तुम सब, सारी मैंने इनको ना सबको फीड वगैरह पहले दे दी थी, ये देखें सबको, फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, बंदा भूल भी सकते हैं, इंसान गलती का पुतला होता है। तो यार ये भी सबको फीड वगैरह इसमें इनमें डाल दिया, और जो चुटकी चुटकी है वो तो अंदर बैठे हैं, और राख मैंने पानी रख दिया है, सूरजमुखी डाल दिया है, सेब डाल दिए, अमरूद डाल दिया है, शील में ब्रज डाल दिया है, रिंग ने क्या जो अपने वो बॉक्स में बैठे हुए हैं, और राख जो है ना माशाल्लाह से। राख कैसे हो दोस्तों, मैं राख का नाम रखना ही भूल गया, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं राख का क्या नाम रखूँ। और ये माशाल्लाह से देखें बहुत ही हेल्दी पीस हो रहे हैं, उनकी मैं केयर भी कर रहा हूँ, दुआ करें कि ये ना बेबी दे रहे हैं। दोस्तों एक तरह आवाज़ निकालता हूँ, अभी निकालेगा, अब कहते हैं अब नहीं निकालता, जब मैं बाहर जाऊँगा ना फिर निकालेगा। और सुनाओ चुटकू कैसे हो, बुखार उतर गया, बस जल्दी से मुझे अब एग दे दो। देखें दोस्तों खा रहा है, ये सया बहुत करता है, ये मुझसे डरता ही नहीं है। हालांकि जो ये मेरे वाले हैं ना, ये इनको दोस्तों दो या ढाई साल हो गए मेरे पास आए हुए, लेकिन ये मुझसे बहुत डरते हैं, और ये मेरा प्यारा क्यूट सा नहीं डरता। चलो चलो खाओ खाओ, मैं जा रहा हूँ, बस बस अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल उधर में देहात को सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अभी से ले दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, सब खुशी खुशी रहो, अब मिलते हैं जी आपसे शाम को। पहना ये बाहर लेके जाते हैं और शापर नीचे कर देते हैं, हम सह के काम सर्दी में कबूतर निकाल रखे हैं देखें, और किसी तरह फ्लाइंग करके जा रहे हैं, माशाल्लाह लग रहे हैं आसमान के ऊपर प्यारे हैं। ये देखें एक वो भी उड़ा दिया, वो देखें फ्लाइंग कर रहा है, वो देखें, और ये भी सब इतने सारे प्यारे मेरे हम सह के, अब ज़्यादा कबूतर हो गए, इसके पास विज़िट करना पड़ेगा कि यार इतने सारे कबूतर हो गए, एक तो मुझे भी दे दो।